नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और स्वागत है आपका लाइव सिटीज डॉट इन में। तेजस्वी यादव के सदन में आते ही विपक्ष, मानो विपक्ष में जान सी आ गई है। इस वक्त हमारे साथ विपक्ष के लोग मौजूद हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। मैम, ये जो राजद जो विपक्ष का जो भूमिका निभा रही है, तेजस्वी यादव आज लौट रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। आज तेजस्वी जी आए हैं काम के प्रति। राजद हमेशा सीरियस रही है, उत्साहित रही है। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं और जिस तरह से हर बार हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, इस सत्र में भी हम लोग सरकार जो मुद्दे को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ली है वो इश्यूज रेज करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव जब नहीं थे तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है धूमिल सा हो गया था, दिख नहीं रहा था। तेजस्वी यादव के पटना आते ही एकदम से जान सी आ गई विपक्ष में। विपक्ष हमेशा उत्साहित रहता है, हमारे नेता का जो आदेश रहता है उस हिसाब से हम लोग हमेशा चलते हैं। आज वो हैं, फिजिकली प्रेजेंट यहाँ पे हैं, सत्र है, वो आए हैं, रिस्पॉन्सिबल नेता है, विधान हाउस चल रहा है, वो तो जरूर रहेंगे। और क्या मांग कर रहा है विपक्ष? हम लोग का मांग क्या है, जो जो लापरवाही सरकार दिखा रही है, जिस तरीके से मासूम बच्चे मर रहे हैं, एक तो कुपोषण कहाँ से है जब आंगनवाड़ी केंद्र है, ऊपर से ये लोग मर रहे हैं, सरकार लापरवाही है, ना देख रही है, ना दवा पहुंचा रही है, ना आईसीयू की प्रॉपर व्यवस्था है, ना वेंटिलेटर है। हम लोग सरकार तक आवाज़ पहुंचाएंगे क्योंकि वो लापरवाह और इनसेंसिटिव हो गई है। चलिए, तो ये हमारे साथ अज्जा यादव जी थी, इन्होंने सीधे सीधे बात कही है कि तेजस्वी यादव फिजिकली रूप से आज सदन में मौजूद है और विपक्ष की जो तत्परता है वो इस बात से अंदाज़ा लगा जा सकता है कि सदन की कार्यवाही अभी शुरू नहीं हुई है और विपक्ष जो है वो मुजफ्फरपुर चमकी बुखार में मारे गए बच्चों को लेकर हंगामा कर रहा है। तेजस्वी यादव आज मौजूद होंगे और विधानसभा परिसर में, और आपको मालूम है कि बिहार में दो सबसे अधिक बच्चों की चमकी बुखार से मौत हुई है और सरकार कान में तेल डाल करके आंख बंद करके सोई हुई है और बच्चों की मौत लगातार जारी है, जबकि इसका निदान किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार इतनी लापरवाह सरकार है, इसके लापरवाही आपराधिक लापरवाही के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और चमकी बुखार के अस्थायी निदान की मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को 10-10 लाख की मुआवजा के लिए मांग कर रहे हैं। मंगल पांडे इस्तीफा दो, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के आते ही विपक्ष में जान सी आ गई है और विपक्ष मंगल पांडे का इस्तीफा लेकर रहेगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। देश दुनिया बिहार की छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लाइव सिटीज डॉट इन पर जरूर जाएं। धन्यवाद।